पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी पहाड़िया में गुरुवार को नारियल पानी का ट्रक हटाने के विवाद में सफारी गाड़ी सवार बदमाशों ने आरती बाबुल सोनकर पर फायरिंग कर दी। संयोगवश गोली मिस हो गई। घटना देख व्यापारियों ने जब हमलावरों को दौड़ाया तो वह मंडी से ही सफारी छोड़कर भाग निकले। इसके बाद बौखलाए मंडी व्यापारी गेट नंबर 1 बंद कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। गोली चलाने वाले युवक का नाम अजीत राय बताया गया है। वो श्रीनगर कॉलोनी पहाड़िया का निवासी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान कर रही है। आरती बाबुल सोनकर ने बताया कि मंडी में ट्रक खड़ा था जिससे आने जाने में दिक्कत हो रही थी। इस पर व्यापारी बाबुल ने ट्रक हटाने को कहा। इसके बाद ट्रक हटा ली गई। कुछ देर बाद अजीत राय आया और पूछने लगा कि ट्रक क्यों हटवाया, हमें जानते नहीं हो। धमकी देते हुए कहा कि अभी तुम्हारी औकात बताते हैं। इसके बाद वो सफारी सवार 5 से 6 लोगों के साथ आया। विवाद के दौरान उसने पिस्टल निकाला और उन्हें लक्ष्य कर फायरिंग कर दी। उसे फायरिंग करते देख अन्य व्यापारियों में रोष फैल गया। इसके बाद एकजुट हुए व्यापारियों ने हमलावरों को दौड़ा लिया। भीड़ को दौड़ता देख सभी हमलावर सफारी गाड़ी छोड़कर भाग निकले। इस घटना से बौखलाए व्यापारियों ने गेट नंबर 1 बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। कुछ व्यापारी लालपुर पांडेपुर थाना पहुंचकर हंगामा करते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और व्यापारियों को समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया। व्यापारियों ने बताया कि पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद है, पुलिस जांच कर कार्रवाई करे। पुलिस आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है। व्यापारियों ने बताया कि अजीत राय करीब 6 माह से कमीशन पर व्यवसाय कर रहा है। इसके पहले परिचय बताइए भैया। बीबीएस फर्म कमाली। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं था, ना तो उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। मंदिर के पास डाक की गाड़ी लगी हुई थी, यहाँ आने जाने के लिए रोड पर दिक्कत हो रहा था। तो 2-3 आरती यहाँ उसे बोले कि भैया गाड़ी यहाँ से हटा लो, गाड़ी हट गई। ये कौन लड़का अजीत नाम का, जो इसको हम लोग कोई मंडी का लोग भी नहीं जानते हैं। ये 5-6 महीने से व्यवसाय करने के लिए यहाँ मंडी में आया था, जिसे विकास और विकास और एक लड़का का नाम नहीं बता पा रहा हूँ, सोनू, ये उसके यहाँ वो माल कमी से बेचवा रहा था। उसके बाद उससे क्या लेन देन हुआ, क्या हुआ, कुछ पता हमको नहीं है। उसका यहाँ पे मंडी में दुकान है? मंडी में कोई दुकान नहीं है। अच्छा। पता चला कि वो किराए पर लेके यहाँ काम किया, कमीशन पे। ये कभी कभी हम लोगों को मंडी व्यापारियों को सूचना मिलता था कि आज क्या बात हुआ, आज क्या झगड़ा हुआ, गोली चली है, क्या हुआ। यहाँ पे जब वो गाड़ी हट गई तो वो लड़का आया अजीत नाम का, जिसको लोग अजीत कह रहे हैं, नाम क्या है उसने मैं नहीं बता सकता। वो आया तो कहा कि आपने गाड़ी हटाया, मैंने कहा यार यहाँ दिक्कत हो रहा है, गाड़ी हट गया तो क्या दिक्कत है, कभी तुम हम जानते नहीं, मैं लाया हूँ। हम कह रहे हैं हमसे क्या मतलब है, कभी तुम्हारी औकात में बता रहे हैं। यहाँ आया ओपन पिस्टल लेकर, मैं यहाँ पे अंगूर में मैं बेच रहा था, वो ओपन इस पर जो गोली मेरे पर चला गया, जो कि मेन मौके से वो मिस हो गया। जब मिस हो गया तो यहाँ व्यापारी बंधु उसको दौड़ाए, जो यहाँ सीसी फुटेज में उसका सब यहाँ पे आया हुआ है। कितने लोग आए थे? ये सफारी गाड़ी थी जो मंडी में अभी भी मौजूद है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। वो आए थे करीब 5-6 लोग और उसी के हाथ में पिस्टल था। गोली चलाने का वजह क्या रही? वजह कोई हमको नहीं मालूम। अब वजह पकड़ाने वाला अपराधी ही बता सकता है कि उसकी वजह क्या है। आपसे बात विवाद हुआ कुछ? कोई बात विवाद नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ कि तुम हमको जानते ना कि मैं क्या चीज है। आप गाड़ी हटाने की बात कर रहे थे, गाड़ी हटाने की यहाँ पर जाम लग रहा था, तो व्यापारी लोग बोले कि भैया गाड़ी हटा लो, और गाड़ी भी हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बाद में आप कहें कि यार अभी तुम हमको जानते नहीं, मैं क्या चीज हूँ। अब क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, ऐसे अपराधियों को अंदर हो बाबा के राज में। ऐसे अपराधियों को आज मेरे साथ हुआ है, आज अगर गोली चल गई होती है, दुर्घटना दुर्भाग्य हो गया तो मेरे साथ, कल किसी बोले व्यापारी के साथ हो जाएगा। अभी यही लिखा रहा है हमारे, ये आज हमारे पास हुआ, कल बोले व्यापारियों को लूट की घटना अंजाम हो। इस दुकान पर हमेशा दारूबाजी की अड्डा होती है।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।